अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। आज नुमानी हॉस्पिटल के अंदर फ्री खतना कैंप रखा गया है, जिसमें 116 बच्चे हैं और ये खतना कैंप टोटल फ्री है, जिसमें मेडिसिन भी फ्री दिए जा रहे हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह कल इनके लिए ड्रेसिंग के लिए भी बुलाए हैं और ड्रेसिंग भी फ्री होगी। जब तक बच्चे का टोटल हील नहीं होता है खतना, इंशाल्लाह ये ड्रेसिंग भी इंशाल्लाह नुमानी हॉस्पिटल में फ्री रहेगी। जैसे आप लोग जानते हैं कि रहमान फाउंडेशन खिदमत के लिए ही बना है और माशाल्लाह कई सालों से 12-13 सालों से करते आए हैं। कुछ चीज़ें ऐसे सामने आई कि बच्चे करीब 10 साल 14 साल ऐसे भी है, लेकिन किसी वजह से फाइनेंशियल कंडीशन या किसी वजह से खतना नहीं करे। तो हम लोग ये भी एक कदम रहा कि अब तक हम लोगों ने खतना का प्रोग्राम नहीं बनाया था, लेकिन ये फ़र्स्ट टाइम है नुमानी हॉस्पिटल के ज़रिए से। इंशाल्लाह साल में 2 मरतबा फ्री खतना कैंप भी रखेंगे और आप देखेंगे तो एकदम क्लीन और नीट अल्हम्दुलिल्लाह एक प्रोसेस है। और इंशाल्लाह ये कदम हमारा दिन ब दिन नुमानी हॉस्पिटल का, रहमान फाउंडेशन का और रहमान फाउंडेशन की टीम के ज़रिए से इंशाल्लाह रोज़ाना कुछ ना कुछ उम्मत के लिए और इंसानियत के लिए खिदमत का काम करते रहेंगे इंशाल्लाह। मैं डॉक्टर जावेद जगदाल गोकाक से। अल्हम्दुलिल्लाह जो है हम लोग 10 साल से गोकाक में खतना कर रहे हैं और इसके अलावा जो है हर तालुके में जाकर के फ्री खतना कैंप भी कंडक्ट कर रहे हैं 10 सालों से, यहाँ तक कि डांडेली और हमारा हुक्केरी है और बेलगाम है, ऐसे अतराफ में जो है खतने के कैंप कंडक्ट कर रहे हैं। और जो है हम लोग बच्चों को बिना कोई दर्द और कोई तकलीफ़ के और जो है ब्लडलेस खतना कंडक्ट कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग कॉटरी मशीन यूज़ करने के की वजह से जो है बिल्कुल खून वगैरह नहीं जाता बच्चों को और बहुत साफ़ सुथरा खतना होता है माशाल्लाह। तो इसका जो है लोगों को बहुत फ़ायदा भी हो रहा है और लोग हम रिस्पांस भी दे रहे हैं और बड़ी तादाद में लोग बच्चे आ करके हमारे पास खतना करा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। भाई अल्हम्दुलिल्लाह मकतबे नुमानिया में खतने का जो शुरू किया अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हुआ, अल्लाह के फजल से बहुत सारे लोग आए अल्हम्दुलिल्लाह और यहाँ बहुत सहूलत के एतबार से अल्हम्दुलिल्लाह किया गया और बहुत सहूलत भी हुई अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ माशाल्लाह आने वाले लोगों को भी अल्हम्दुलिल्लाह पानी का इंतज़ाम भी किया गया और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ जो आ रहे हैं बहुत सहूलत हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। फिर से ऐसा इदारा अल्हम्दुलिल्लाह और हमारे इलाके में शुरू होना अल्हम्दुलिल्लाह। दुआ करो कि इस इदारा अल्हम्दुलिल्लाह शुरू हुआ इसकी बदौलत से और 2-3-4 इंशाल्लाह हमारे बेलगाम में कायम हो जाए इंशाल्लाह। असल तो ये फ्री हो गया अल्हम्दुलिल्लाह, ना एक पूरा फ्री ना एक रुपये भी लगाने अल्हम्दुलिल्लाह पूरा फ्री हो गया अल्लाह के फजल से। साफ़ सफाई भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा हो गया, साफ़ सफाई भी क्लीन है अल्हम्दुलिल्लाह, ऐसी कोई शिकायत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह इस मकतबे नुमाने में। साफ़ सफाई क्लीन भी है अल्हम्दुलिल्लाह और खतने का निज़ाम भी बहुत अल्हम्दुलिल्लाह सही तरीके से हो गया अल्हम्दुलिल्लाह। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। जो यहाँ पर तमाम जमा हुए हैं कि आज हजीब आज़म फाउंडेशन के जानिब से द राइजिंग स्टार प्री प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल का आगाज़ होने जा रहा है, इसमें तमाम उलमाए कराम और तमाम हजरात शामिल हुए हैं, उनका तहे दिल से शुक्रगुजार करते हुए इस राइजिंग प्री प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल का आगाज़ होने जा रहा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह
आज खतीब आज़म फाउंडेशन के जानिब से जो है द राइजिंग स्टार्स प्री प्राइमरी इंग्लिश मीडियम स्कूल ओपन की गई है। आज इसका ओपनिंग है और इंशाल्लाह ये कल यानी 30 मई 2022 से इंशाल्लाह इधर क्लासेस चलेंगे। अब ये स्कूल हमने बनाया है इस मोटिव के साथ बनाया है कि हमारे एरिया में, हमारी कम्युनिटी में, हमारे जो है हमारे कौम में एजुकेशन को लेकर एक बेदारी लाएं और हमारी कौम को एजुकेशन की एक इम्पॉर्टेंस बताएं, हमारे कौम के बच्चों को, बच्चों का कैरेक्टर अच्छा करें, उन्हें क्वालिटी एजुकेशन दें। अगर बच्चों को बचपन से ही अगर हम अच्छी नॉलेज देंगे, अच्छी एजुकेशन देंगे, उनका कैरेक्टर अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे, तो ये बचपन में जो हम उन्हें कैरेक्टर उनका बनाएंगे, ये उनका कैरेक्टर लाइफ टाइम रहेगा। तो इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हमने इसको, इस बात को सोच कर जो है ये स्कूल को ओपन किया है और इंशाल्लाह हमारा ये प्री प्राइमरी तक ही हमें महदूद नहीं रहना है, आगे हमें इस स्कूल को आगे बढ़ाना है। इंशाल्लाह प्राइमरी स्कूल खोलेंगे, हाई स्कूल खोलेंगे, इसी तरह से हम तरक्की करेंगे। आप तमाम हजरात का अगर साथ रहा तो इंशाल्लाह तरक्की करेंगे, अल्लाह ने चाहा तो तरक्की करेंगे। और मैं यही कहना चाहूँगा कि हमारे कम्युनिटी को मैं यही कहना चाहूँगा, हमारे मुस्लिम समाज को मैं यही कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों में, अपने खुद के अंदर एजुकेशन को लेकर अवेयरनेस पैदा करें, अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एजुकेट करें, उन्हें सिखाएं ताकि हमारा फ्यूचर अच्छा हो, हमारे बच्चों का फ्यूचर अच्छा हो। मैं इतना ही कहना चाहूँगा, शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। इस बार 10वीं इम्तिहानात में काफ़ी तलबा व तालिबात ने अच्छे नंबरात हासिल किए हुए हैं, ख़ास तौर से फकीउल मुकद्दम उर्दू हाई स्कूल से तो 100% नतीज बरामद हुए हैं, जिसमें ख़ास तौर से लड़कियों में फरीहा शम्स तबरेज चौबदार 92%, बीबी तनाज मुनीर अहमद पन्नाड़ी ने 91.68%, मुंजरीन ख्वाजा मकानदार 91.68%, जवेरिया नाज मोहम्मद इदरीस मुजावर 89.76%, अतीका अब्दुल वाहिद खान 86.72%, अक्सा खातून महमूद असद अली 85.76% और लड़कों में अली खताल मनियार 80.32%, माजिद इम्तियाज़ देसाई 79.52%, रिहान इमरान नदाफ 78.08%, बदरुद्दीन महबूब बेपारी 72.32%, अयान अयूब मोकाशी 70.04% हासिल किया है। फकीउल मुकद्दम उर्दू हाई स्कूल की कामयाबी पर इन्हें मुबारकबाद पेश की जा रही है। इसी तरह से शर्मन इंग्लिश मीडियम हाई स्कूल से मुदस्सर यम 93.44 मार्क्स हासिल किए हैं। बाशिबन गर्ल्स हाई स्कूल से इस बार जिन्होंने टॉपर किया हुआ है, अमारा यम शेख 96.48, आयशा शेख 93.60, अल्फिया यम मुजावर 92.80%। محمد بن صلی اللہ علیہ رسول کریم بفضل بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہمارے پیر و مرشد حضرت شیخ محب الحق شاہ قادری رحمۃ اللہ علیہ کا 25واں عرس دلگام کے ہمارے تمام مریدین و معتقدین نے مل کر دلگام میں اسے منانے کا فیصلہ کیا اور یہ منایا جا رہا ہے۔ بلا قوم و ملت تمام سب لوگ جو ہے نا اس میں شریک ہوئے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہر سال بلاری میں ہی منایا جائے گا۔ عصر سے مغرب کے درمیان میں چادر اور گل چڑھائی گئی آستانے حضرت سید نظام الدین قادری رحمۃ اللہ علیہ کے آستانے پر، اور مغرب کے بعد سے لنگر کا آغاز ہوا
लंगर चल रहा है, इंशाअल्लाह ताला लंगर ख़त्म होते ही समा का प्रोग्राम रहेगा। समा यानि खास लोगों के अंदर समा का प्रोग्राम रहेगा, बाकी उसके बाद इख्तिताम पर आएगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। आज यहाँ पर यह बताते हुए बड़ी मुसर्रत हो रही है कि हमारे दादा मुर्शिद हज़रत मुहिब्बुल अख्शा कादरी चिश्ती कद्दस अल्लाहु अज़ीज़ बल्लारी, इनका 25वां संदल मुबारक जो है यहाँ पर मनाया जा रहा है निज़ामुद्दीन कादरी उनके आस्थाने पर वड़गांव में, और इस मौके पर यहाँ पर लंगर का भी इंतज़ाम किया गया है। उनकी तालीमात का सिलसिला जो है जारी है।